नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर भविष्य 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। नया साल, नई चिंताएं, नई मुसीबतें, नई चुनौतियां या फिर नई खुशियां, नई तरक्की, नई उन्नति। कैसा होगा, क्या होगा भविष्य 2024? अच्छा होगा, बुरा होगा, बहुत ही बेहतर होगा या फिर गुजरे साल की तरह उलटफेर होंगे। हानि लाभ की टेंशन है, सेहत की फिक्र है, घर परिवार रिश्तेदारों की परवाह है। कुंडली क्या कहती है, ग्रहों की चाल क्या बता रही है, क्या कहते हैं आपके सितारे, हर एक सवाल के जवाब, भविष्य की तमाम उलझनों का हल यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर है देश के सबसे बड़े ज्योतिषी। यहाँ होगी सबसे सटीक भविष्यवाणी। भविष्य 2024 में मिलेंगे आपके सभी प्रश्नों के सही सटीक जवाब। 2024 में आपके भाग्य में आखिर क्या लिखा है, ग्रह नक्षत्र की गणना आखिर क्या कहती है, ये जानेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिषियों की इस महापंचायत में। देश के सबसे बड़े ज्योतिषियों में अब आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले मिलिए श्रुति खरबंदा जी से। भविष्य 2024 में हमारे साथ है राजकुमार शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इनके अलावा भविष्य 2024 में ज्योतिष विशारद डॉक्टर नीति शर्मा जी से बताएंगी आपको कि कैसा रहेगा ये पूरा साल। ज्योतिष आचार्य जी डॉक्टर HS रावत ग्रहों और राशियों की पूरी गणना के साथ हमारे बीच आए। और नए साल को खुशहाल बनाने के लिए डॉक्टर Y राखी जी के पास कुछ स्पेशल टिप्स। और आचार्य शैलेश तिवारी जी बताएंगे 2024 के महा उपाय। तो आइए शुरुआत करते हैं, भविष्य 2024 का आगाज करते हैं। और सबसे पहले ज्योतिष आचार्यों से जानते हैं मेष वृष मिथुन कर्क सिंह और कन्या राशि के भविष्य की पहली झलक। तो श्रुति खरबंदा जी, मेष राशि के जातकों के लिए 2024 की पहली झलक कैसी होगी? 2024 इच्छाओं की पूर्ति का साल रहेगा और बहुत सारे कार्य से जुड़े नए अवसर लेकर आएगा। और राजकुमार जी, नए साल में वृष राशि का भविष्य कैसा होगा? देखिए, वृष राशि के लिए अनेक प्रकार के शुभ समाचार प्राप्त होंगे और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। डॉक्टर नीति शर्मा जी, मिथुन राशि का हाल क्या रहने वाला है साल 2024 में? मिथुन राशि वालों के लिए विवाह के योग बहुत प्रबल है, साथ साथ कहीं रुका हुआ पैसा या लीगल डिस्प्यूट्स है वो आपके फेवर में इस साल जाने वाले हैं। डॉक्टर HS रावत जी, कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2024? कर्क राशि वालों के लिए शनि और गुरु भरेंगे धन के भंडार, अपार पैसा ही पैसा आने वाला है, खुशियां ही खुशियां मिलेंगी आपके लिए, बहुत जबरदस्त लाभ आने वाला है। डॉक्टर Y राखी जी, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2024? जीरो से हीरो बनने वाले हैं आप और ये वर्ष आपको विवाह के खूबसूरत बंधन में भी बांधने वाला है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, कन्या राशि पर कितनी कृपा बरसने वाली है? कन्या राशि वाले जातकों के लिए यात्रा से होगा बड़ा लाभ, यात्रा में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो बड़ा धन का लाभ कराएगा। 24 में आगे बढ़े सभी राशियों की सटीक भविष्यवाणी पर पहुंचे, उससे पहले कुछ जरूरी सवाल भी बनते हैं, जैसे 2023 में कितना अलग होने वाला है 2024, दोनों सालों में क्या फर्क होगा। श्रुति खरबंदा जी, आपकी गणना इस बारे में क्या कहती है? देखिए, हर साल जो होता है अपनी खूबियां और अपनी जो कमियां हैं वो साथ में लेकर आता है, लेकिन साल 2024-2023 से कई मामलों में बेहतर होने वाला है। और ये मैं इस लिहाज से भी कह सकती हूँ क्योंकि शनि जो है कुंभ राशि में गोचर करेंगे, अपना नक्षत्र बदलेंगे साल के मध्य में, और जो राहु है वो भी बदलेंगे। तो अगर हम देखें कि गुरु का गोचर जो है सबसे खास होने वाला है, वो धन की राशि, संचित धन की राशि में जाता हुआ दिखता है। राजकुमार शास्त्री जी, 2024 में पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, जब हम 2024 की गणना करते हैं तो गणित के अनुसार देव गुरु बृहस्पति का मेष राशि पर गोचर, राहु का बृहस्पति की राशि मीन पर गोचर, शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर, ये सारी ग्रहों की स्थिति बतलाती है कि अनेक प्रकार के लक्ष्मी नारायण योग बुध और शुक्र की युति से, वहीं मंगल और सूर्य की युति से पराक्रम योग, ये सारे योग इस प्रकार से बन रहे हैं जो कि भारतवर्ष के लोगों के लिए, भारतवर्ष के निवासियों के लिए अनेक प्रकार से शुभ समाचार लेकर के प्रवेश कर रहा है। डॉक्टर नीति शर्मा जी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ,
तो सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है ये नया साल 2024? सेहत के लिहाज से जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि का साल है, आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। और आप देखेंगे किस प्रकार से लोग इस समय व्यायाम को अपनी प्रायोरिटी रखेंगे, योगा को अपनी लाइफस्टाइल में इन्फ्यूज करेंगे। निश्चित रूप से सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको डाइट और अपनी एक्सरसाइज को नियमित रूप से करेंगे लोग, उसके लिए प्रेरित भी रहेंगे, जिसकी वजह से सेहत के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, पैरों से संबंधित समस्याएं आमतौर पे इस वर्ष देखी जाएंगी। तो देखिए, सेहत का तो खास ध्यान आपको रखना ही होगा, लेकिन डॉक्टर एच एस रावत जी, 2024 में रोटी कपड़ा मकान की जो लोगों की टेंशन होती है, वो क्या थोड़ी दूर होगी? 2023 से 2024 धन के मामले में, सेहत के मामले में, पैसे के मामले में, संतान सुख के मामले में, भाग्य और कैरियर के मामले में, बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। तो कदम आगे भी बढ़ाना है सफलता की तरफ, लेकिन कुछ बच करके। डॉक्टर वाई राखी जी, ये साल किसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है और आखिर क्यों? ये साल किसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये साल इंसान को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचाएगा। शनि देव है न्यायाधीश, कर्मों का साल है ये। जिन्होंने अपने माता पिता पर अत्याचार किए हैं, जिन्होंने अपनी मासूम पत्नी पर अत्याचार किए हैं, या जिसने अपनी पत्नी ने अपने पति पर अत्याचार किए हैं, जो लोगों के पैसे लेकर खा गए हैं, उनके लिए सावधान, क्योंकि न्यायाधीश आ गया है न्याय करने। अपने घर के सर्वेंट्स के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखें, नहीं तो इस साल बहुत लोगों को जेल यात्रा भी जरूर देखनी पड़ेगी। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, 2024 की सबसे अच्छी खुशखबरी इस बार क्या मिलने वाली है? देखिए, 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि मीन राशि में राहु का होना, केतु का कन्या राशि में होना, शनि देव का तीन बार राशि का परिवर्तन करना, जिसमें 11 फरवरी को शनि देव अस्त हो जाएंगे, 18 मार्च को शनि देव उदय हो जाएंगे और 29 जून को शनि देव वक्री हो जाएंगे, यह अपने आप में यह दिखाता है कि पूरी दुनिया में फिर से एक नए उथल पुथल होना है। लेकिन जो भारत में आप देखेंगे 2024 में चुनाव होना है, राजा वही रहेगा, लेकिन कुछ नए चेहरे की बड़े बदलाव की स्थिति दिखती है। ग्रहों की चाल के बारे में भी हम जानते हैं। श्रुति खरबंदा जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, 2024 में ग्रहों के राजा सूर्य क्या कह रहे हैं? देखिए, साल की शुरुआत में जो है धनु राशि से वो गोचर करेंगे और साल की शुरुआत में ही, लेकिन हमें सफलताएं भी देखने को मिलेंगी। बहुत लोग अगर अपनी सेहत को लेके या किसी पद प्राप्ति को लेके देख रहे थे तो उसमें बेहतरी होती हुई दिखती है, लेकिन सत्ता में हमें कुछ थोड़ी से हेर फेर और विवाद जो है होते हुए हमें दिखते हैं, लेकिन पूरे उस पर कहा जाए कि इसको बड़े नज़रिए से देखा जाए तो ये अब साल आपको अपनी सेहत पर ध्यान देकर चलने का ये साल रहेगा। तो सफलता और सुख के लिए बुध पर भी सभी की निगाहें होती है। राजकुमार शास्त्री जी, 2024 का बुध आखिर क्या कहता है? देखिए, जब हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध एक ऐसा व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ ग्रह है जो कि हमेशा सूर्य के आसपास ही अपना गोचर करता है। वर्ष में महत्वपूर्ण है शनि की स्थिति, जो कि 5 राशियों को एक साथ प्रभावित करेगा, जिसमें कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये 5 राशियां एक साथ शनि की ढैया और शनि की 7.5 से प्रभावित रहेंगी। और शनि के और महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि का पूरे वर्ष 2024 में कोई राशि परिवर्तन नहीं है, एक ही राशि पर शनि का गोचर चलेगा। और जो कि आप जानते हैं कि शनि का गोचर 2.5 वर्ष एक राशि पर होने के कारण 29 वर्ष 5 महीना 17 दिन और 5 घंटे में एक अपनी राशि चक्र का परिभ्रमण उसका पूर्ण होता है। ये सारी जो शनि की स्थितियां हैं, यह कई राशियों को एक साथ प्रभावित करेगा, किसी के लिए लाभकारी भी और किसी के लिए हानिकारक भी रहेगा। डॉक्टर नीति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए लाभकारी और फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, लेकिन राहु का कितना असर रहने वाला है 2024 में?
देखिए राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु जो है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये जो एक्सिस को समझने की बहुत आवश्यकता है। इस वर्ष आप देखेंगे कि लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, कानूनी कार्रवाइयों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेके आएगी सरकार। अभी हाल ही में हमने देखा किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा बने हुए कानून IPC वगैरह हटे गए और भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है। वहीं ये भी देखा जाएगा कि डिफेंस फोर्सेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हुए हम देखे जाएंगे। राहु की वजह से कहीं ना कहीं देश में खर्चे बढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन उसका पूर्ण रूप से फायदा भारत की इकोनॉमी को होने वाला है। इस वर्ष हम ये भी देखेंगे कि राहु के प्रभाव से रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होगा, बहुत अच्छी ग्रो करेगा। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हुए लोगों को और देश को देखे जाएंगे। शेयर मार्केट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स जो है वो बूम करते हुए देख सकते हैं, लेकिन इस वर्ष शेयर मार्केट एक बार कोलैप्स भी बहुत बुरी तरह करेगी राहु के प्रभाव से, लेकिन एकदम से जंप भी करेगा। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बहुत ही रचनात्मक और देखने वाला रहेगा किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट के आपको लाभ मिलेंगे। साथ साथ जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है वहाँ पे हम देखेंगे साइबर क्राइम में हमारा देश बहुत आगे जाके नए लॉस को इंफ्यूज करते हुए देश के लिए करता भी देखा एक बड़ी संभावना 2024 में। रावत जी, लेकिन 24 में मंगल किसका होने वाला है? जी प्रशांत जी, जो मंगल है ना, मंगल दो प्रकार का होता है, मंगल करे मंगल ही मंगल, मंगल करे अमंगल। तो यानी जो मंगल की स्थिति है हमारे पूरे साल बहुत अच्छी है। मंगल अभी उच्च का हो जाएगा फरवरी में, और जब मंगल उच्च का होता है तो ओजस्वी प्लैनेट होता है, कल्याणकारी होता है, तो निश्चित तौर पर जबरदस्त लाभ देगा। और ये योग कारक अगर हो जाए कर्क में और सिंह राशि वालों के लिए तो बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन मंगल, मैंने कहा कि साल के अंत में जाते जाते जब ये नीच अवस्था में होगा, 20 अक्टूबर से नीच हो जाएगा और फिर पूरे साल तक नीच रहेगा, उस समय थोड़ी सी स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल नीच होता है तो ब्लड से रिलेटेड तकलीफें आती हैं, ये रेड सेल्स का कारक होता है। तो जब नीच होगा तो आपके जॉइंट्स पेन, आपके ब्लड में तकलीफ हो सकती है। खास ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको। भाई राखी जी, 2024 में चंद्रमा की चाल क्या कह रही है? चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि 2024 आपका हो, चाहे आप शादीशुदा हो या बच्चे हो, ऐसे में अपनी माँ का ध्यान बहुत रखिएगा। कारण बता दूं कि चंद्रमा आपको बहुत कुछ दे सकता है इस वर्ष। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होगा, जिनके माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे थे वो मानेंगे। सबसे बड़ी बात, शनि देव के अपने पिता से दुश्मनी अपनी माता की वजह से थी, और शनि देव कहते हैं जो अपनी माँ की सेवा करता है मैं उसके ऊपर कोई टेढ़ी नजर डालता ही नहीं हूँ। तो इस साल अगर आपकी माँ खुश तो समझिए आपकी है बल्ले बल्ले। आचार्य शैलेश जी, 2024 में गुरु किस पर भारी होगा? देखिए गुरु 2024 में भारी नहीं होंगे, बल्कि गुरु जो है वह सेंसेक्स में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में और क्रिप्टो करेंसी में बूम लाएंगे। आप देखिएगा कि जो क्रिप्टो करेंसी एक नया करेंसी है उसमें लोगों का रुझान होगा, और 2024 जो है फरवरी, जब शनि देव जो है अस्त होंगे 11 फरवरी से, और इसके बाद से जो है वह बृहस्पति की माया से, धन जो है बृहस्पति की माया से आता है, तो क्रिप्टो करेंसी, सेंसेक्स और फॉरेक्स में बूम आएगा और बहुत धन की वर्षा होगी। मार्केट में जो पैसे लगाते हैं उनको खास ख्याल रखना पड़ेगा। शनि देव की कृपा किस पर बरसने वाली है, सब ये भी जानना चाहते हैं। शनि देव की बात जहां आपने करी, शनि देव के मंदिर में जाने का प्रतिदिन का नियम बनाइए, दीनहीन जो व्यक्ति हैं उन पर उनको भोजन कराइए, शनि देव मंदिर में भंडारा करिए।